बैक टू माई चैनल। और आज हम एक नर्सरी आ गए हैं जो दिल्ली के बिल्कुल नियर बाय है। उसका नाम और पूरा उसका जो एड्रेस है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। आज हम बात करेंगे इस प्लांट के बारे में जो बहुत ही ब्यूटीफुल इंडोर प्लांट है, गोल्डन जनाडू। तो हमें यहाँ की जो ऑनर है आंटी, वो इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल करेंगी आप लोगों के लिए। तो आंटी प्लीज़ बताइए, इसमें कितनी वैरायटी आती है इस प्लांट में? इसमें दो वैरायटी आती है बेटा, एक गोल्डन एक ग्रीन। ओके, और क्या डिफरेंस है दोनों में, गोल्डन में और ग्रीन में? डार्क ग्रीन में होता है, ये थोड़ा गोल्डन कलर का है, डिफरेंस इसमें ये है। अच्छा, वो इसे डार्क ग्रीन होगा। और बताइए इस प्लांट के बारे में कि इसकी क्या? ये 24 प्लांट है, 24 आवर्स ऑक्सीजन देता है। ओके, नासा ने जो 28 प्लांट रिकमेंड किए हैं उसमें से ये एक है। ओके, और इसकी केयर कैसे करेंगे हम अगर इसको हम लगाते हैं तो? इसकी केयर ये है कि हमें इसकी शेड में रखना है इसको, सेमी शेड भी इसको नहीं मिलेगा। ओके, ओनली शेड। और इसको हम लोग लगाते हैं बर्मिकोलाइट, परलाइट और पीट फूस। अच्छा, इसी में लगाते हैं, नॉर्मल मिट्टी में हम इसको नहीं लगा सकते? नॉर्मल मिट्टी चाहे तो थोड़ी सी डाल सकते हैं, अदरवाइज खाली ये तीन चीज़ें डालें। अच्छा, इसमें ये अच्छा ग्रो करेगा। और अच्छा पानी कैसे देंगे हम इसको? पानी इसको डेली चाहिए, विंटर में ऑल्टरनेटिव इसको। अच्छा, गर्मी में हम इसको रोज़ पानी देना होगा। ये आपने इसमें कॉस्ट लिखी है 200 रुपीज़, क्या ये इतने का ही है कि आप कुछ नेगोशिएट करेंगे? 150। अच्छा, 150। बट ये 150 का मतलब थोड़ा सा हाई रेंज में क्यों है, मतलब क्या रीज़न है इसका? वही है कि क्योंकि नासा ने रिकमेंड कर दिया तो इसका रेट बढ़ गया। अच्छा अच्छा अच्छा, और इसको हम उगाएंगे तो ये जड़ से ही उगेगा या ये जैसे कई स्टेम से भी उग जाते हैं? नहीं, स्टेम से नहीं, ये जड़ से ही लगता है। ये जड़ से ही लगता है, इसको हम बीच में से डिवाइड कर सकते हैं। जैसे जब ये पुराना हो जाते हैं, हाँ जी, यहाँ से ये ब्रांच अलग अलग ये यहाँ से हो जाता है मल्टीपल। आप थोड़ा सा बता दीजिए जो हमारे नए बिगनर्स हैं गार्डनर, उनके लिए थोड़ा सा उनको आइडिया मिल जाएगा कि हम इसको कैसे लगाएंगे। जैसे ये प्लांट है, इसमें से साइड से ये लेता है अलग अलग ब्रांचेस। अच्छा, तो बट लगेगा ये जड़ से ही? हाँ, जड़ से ही लगेगा। अगर हम इसको और बनाना चाहते हैं तो यहाँ से इसको डिवाइड कर सकते हैं और खुद हम कर सकते हैं, तो ये दो प्लांट बन जाएंगे। ओके ओके, तो यानी कि इसकी ये वाली जड़ साथ में होनी चाहिए। और कुछ बताइए इस प्लांट के बारे में जो हमारे गार्डनर्स को और हमारे बिगनर गार्डनर को स्पेशली नहीं आइडिया हो, कहाँ तक कितना बड़ा ग्रो करता है ये? इतना आ जाएगा लाइक बुश। ओके, बुश। तो इसको हम हैंगिंग में टांग सकते हैं? हैंगिंग में भी रख सकते हैं, हैंगिंग में। अच्छा, इसकी फर्टिलाइजर के बारे में बता दीजिए कि इसको हम क्या फर्टिलाइजर देंगे जिससे ये और अच्छा ग्रो हो? फर्टिलाइजर में इसमें आप डाल सकती हैं वर्मी कंपोस्ट। वर्मी कंपोस्ट डालेंगे जी, जी। और कितना क्वांटिटी में डालना है? क्वांटिटी आप 1/3 तो लेंगे वर्मी कंपोस्ट, 1/3 लेंगे वो पीट मॉस। ओके, और वन प्लांट के लिए 10 ग्राम लेंगे आप परलाइट और वर्मी कोलाइट। अच्छा, तो ये सारी चीज़ें इसके लिए रिक्वायरमेंट है। हाँ, अगर इसको हम अच्छा ग्रो करना चाहते हैं तो। और ये पार्शियल शेड में लग सकता है? हाँ, पार्शियल शेड में तो वो थोड़ा सा चाहिए, बिल्कुल हल्की सी हो। हाँ जी, मतलब हम बालकनी वगैरह में नहीं लगा सकते? हाँ, बालकनी में अगर आपका तरह से आ रहा है साइड से थोड़ा सा, जहाँ पे हल्की सी मॉर्निंग की धूप आती है वहाँ ये सर्वाइव करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। और पानी इसको हम उतना ही देंगे जितना मिट्टी इसकी सूख जाएगी उसके बाद ही देंगे? ओके ओके, विंटर में हमें ऑटोमेटिक। ये 12 मंथ्स का प्लांट है? 12 मंथ्स का, 12 मंथ्स सिर्फ ग्रीन रहता है, इसके अंदर कोई भी फ्लावर वगैरह कुछ नहीं, नो फ्लावरिंग। तो इसका छोटा वाला भी 150 में ही आप सेल करते हैं अगर कोई बहुत छोटा प्लांट हो? 100 का मैं भी आपको दूसरी दिखाती हूं। अच्छा ठीक है, चलिए हम दूसरी साइड भी देखते हैं। इसका जो छोटा वाला प्लांट है वो सिर्फ 100 रुपीज़ का है, तो वो भी एक बार हम लोग देख लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये उससे थोड़ा सा छोटा है और इसका कॉस्ट भी कम हो जाएगा और बहुत ही हेल्थी प्लांट लग रहा है। और इनकी नर्सरी में बहुत ब्यूटीफुल प्लांट्स देखे, कुछ प्लांट्स तो मैंने खुद लाइक पहली या दूसरी बार देखे और बहुत ही ब्यूटीफुल प्लांट है, काफ़ी हेल्दी हैं। इन्होंने ये ग्रीन शेड लगा रखी है क्योंकि ये सारे डायरेक्ट सनलाइट में रखने वाले प्लांट्स नहीं हैं, तो इसलिए ग्रीन शेड के अंदर रखे हैं और बहुत ही हेल्दी प्लांट है। ये स्पाइडर है जो 180 का है। आंटी, इसमें कितना आप नेगोशिएट कर देंगे अगर कोई लेने आएगा तो? 120 तक का ही आपको मिल जाएगा। एक्चुअली पौधे की लेंथ ग्रोथ के ऊपर होता है कि उसका कॉस्ट कितना है। काफ़ी ब्यूटीफुल प्लांट्स इनके पास मैंने देखे, नहीं है इस समय इसमें कोई भी छोटे वाले। ये पीस दिली है, ये वाला जो सेक्शन है इनका, ये पूरा इंडोर प्लांट्स के साथ ही है।
और ये देखिए कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। आंटी इसका नाम क्या है? चैमीडोरा। चैमीडोरा देखिए कितना ब्यूटीफुल है और छोटे से में है, और ये भी एयर प्योरीफायर है। और ये आपने किस में लगाया है? ये मिट्टी में तो नहीं लगा हुआ? कोकोपीट में लगा हुआ है। इसको हमें कोकोपीट में ही लगाना है, किसी और में नहीं लगा सकते, मिट्टी में नहीं लगा सकते। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में मैं एक नर्सरी टूर करवा दूंगी इनका, क्योंकि अभी हम एक स्पेसिफिक प्लांट के बारे में ही बात कर रहे थे, तो हम उसी प्लांट के पास जाते हैं। और जो एक नेक्स्ट वीडियो होगा मेरा, आप उसका वेट कीजिएगा, क्योंकि उसमें मैं आपको इनकी नर्सरी का टूर करवाऊंगी। इनके पास बहुत ब्यूटीफुल प्लांट्स हैं, और एक इन्होंने सेक्शन बना रखा है इनडोर प्लांट्स का, एक सेक्शन बना रखा है आउटडोर का, कुछ इनके पास पोर्ट्स भी हैं, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगी, अदरवाइज ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो अभी हम जिस प्लांट की बात कर रहे हैं हम उसकी तरफ ही चलते हैं। तो फ्रेंड्स अगर इस प्लांट से रिलेटेड यानी कि गोल्डन जनाडू से रिलेटेड कोई भी आपको क्वेश्चन है, कोई क्वेरीज है, हमने कोई मिस कर दिया हो, तो आप प्लीज़ मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन कीजिए। हम लोग एक्सपर्ट से कंफर्म करके आपको ज़रूर बताएंगे कि इसमें क्या फर्टिलाइज़र देना है, किससे इसकी ग्रोथ अच्छी हो, अगर आपके प्लांट्स में कुछ प्रॉब्लम आ रही है और वो कैसे क्योर करनी है, तो आप प्लीज़ बेझिझक कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। मैं ट्राई करूँगी कि मैं सबके आंसर ज़रूर दूँ। और आई होप आपको अच्छा लगा हो, ये मेरा वीडियो नॉलेजेबल लगा हो। अगर ऐसे ही और वीडियो आप चाहते हैं जिसमें आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहे, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और लाइक ज़रूर करें इस वीडियो को। तब तक नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम, तब तक के लिए बाय बाय।